हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 6 में एटॉमिक मॉडल ऑफ निल्स बोर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल और जे.जे. थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल के बारे में अध्ययन किया था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में यह दोष था कि वह परमाणु के अस्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जबकि स्थिर वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित कण किसी पिंड का चक्कर लगाती है तो उसके ऊर्जा में लगातार कमी आती है और एक समय ऐसा आता है कि वह पिंड जो है केंद्र में अपने नाभिक में गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वह विविक्त स्पेक्ट्रम को व्याख्या नहीं कर पाया। और तीसरी बात, उन्होंने परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अब परिस्थिति उत्पन्न हुई, ठीक इसी समय डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर, जो डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया 1913 में। निल्स बोर के द्वारा प्रस्तावित जो एटॉमिक मॉडल था वह प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। क्वांटम सिद्धांत के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर में। उस अध्ययन के आधार पर, जो क्वांटम थ्योरी के आधार पर उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया, उसके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन चारों ओर कुछ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, निश्चित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में ना गेन होता है ना लूज होता है, मतलब ना वो एनर्जी इमेट कर पाते हैं और ना एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इन कक्षाओं को स्टेबल ऑर्बिट भी कहा जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि इन कक्षाओं को के एल एम एन ओ पी डॉट 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 के द्वारा डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, और इनके नंबर के अनुसार इन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 के द्वारा भी निरूपित किया जाता है। इन कक्षाओं को, इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली कक्षा का जो एनर्जी लेवल है वह दूसरी कक्षा के अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने बतलाई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का समाकलन गुणक में हो, अर्थात एंगुलर मोमेंटम को mvr के द्वारा निरूपित किया जाता है। mvr
इक्वर को कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। यानी कोणीय संवेग यानी हैंस अर्थात एम वी आर इक्वल एन एच बाय एच अपॉन टू पाई वेयर जहां एम इक्वल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वी इक्वल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का वेग आर इक्वल रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षा की त्रिज्या। एन इक्वल एच इक्वल एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है। एच इक्वल प्लैंक कांस्टेंट और एन इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिट है। एन इक्वल क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नंबर क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने कोणीय संवेग को ज्ञात करने के लिए जो है क्या निकाला, एम वी आर बराबर एन एच बाई एच अपॉन टू पाई। अंतिम बात उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में यह बतलाया, एटॉमिक मॉडल में, कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है अलग अलग होती है। पहली कक्षा में कुछ ऊर्जा होगी, दूसरी कक्षा में कुछ ऊर्जा होगी, तीसरी की कुछ होगी, तो अलग अलग होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, मान लिया जाए ये है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट और ये है सेकेंड ऑर्बिट, मान लिया जाए यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां जाता है या यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां आता है, तो इस स्थिति में ऊर्जा का लूज भी होती है, एनर्जी लूज भी होती है और एनर्जी गेन भी होती है। मतलब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का त्याग किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा ली जाएगी। अर्थात Hence, E2 minus E1 equal
एच भी, जहां ए टू इक्वल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा में ऊर्जा, अंतिम कक्षा में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 बराबर, E1 इक्वल क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्राइमरी ऑर्बिट, प्रारंभिक कक्षा में, और H इक्वल क्या है, H इक्वल है प्लांक कांस्टेंट, और V इक्वल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार निल्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में चार मुख्य बातें बताई। पहली बात, सबसे पहले इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1913 में डेनिश वैज्ञानिक निल्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करते हैं, इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और न ही ऊर्जा को का अवशोषण करते हैं। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा यानी स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। दूसरी बात, इन कक्षाओं को KLMNOP या 1, 2, 3, 4, 5 के द्वारा निरूपित किया जाता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी MVR H/2π हो, जहां m इक्वल जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इक्वल जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r इक्वल रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, h इक्वल प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक कांस्टेंट है, और n इक्वल ऑर्बिट नंबर है, mvr इक्वल कोणीय संवेग है। तीसरी बात, चौथी बात उन्होंने बतलाई कि अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा जो है अलग अलग होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदता है तो उसकी ऊर्जा निश्चित मात्रा में उत्सर्जित होती है यानी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, अर्थात E2-E1=HV, जहाँ E2 जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट है और E1 जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्राइमरी ऑर्बिट यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रारंभिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एच जो है प्लैंक स्थिरांक है और भी जो है इलेक्ट्रॉन का वेग है। इस प्रकार
निल्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत कर दिया, लेकिन निल्स बोर के एटॉमिक मॉडल के कुछ लिमिटेशन थे। लिमिटेशन क्या थे? लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट देखते हैं कि आपको देखने में तो किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, या बोर एटॉमिक मॉडल कुछ भी हम लिख सकते हैं। बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है? बोर का जो परमाणु मॉडल था वह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करता था। इस मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले तत्वों के परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। हाइड्रोजन के समान जिन तत्वों के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हो उनकी व्याख्या जो है की जा सकती है। तीसरा, इस मॉडल से कई इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के ऊर्जा स्तर की व्याख्या नहीं की जाती है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनकी व्याख्या जो है इस मॉडल के द्वारा नहीं किया जा सकता है। चौथी बात, इस मॉडल के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर अन्य इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है। इस मॉडल के द्वारा जो है किसी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा पर अन्य इलेक्ट्रॉन का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब रदरफोर्ड निल्स बोर के मॉडल के लिमिटेशन को हम लोग नोट कर लें। तो लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, दिस मॉडल इज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या यह मॉडल जो है कर सकता है। दिस मॉडल इज कैपेबल टू एक्सप्लेन द ऑफ जेनरेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बाय एन एटम, यह जो है किसी परमाणु के द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनता है इस मॉडल के द्वारा उसका एक्सप्लेन किया जा सकता है, व्याख्या की जा सकती है। इस मॉडल के द्वारा जो है एनर्जी के लेवल, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके एनर्जी के लेवल ऊर्जा के स्तर को व्याख्यित नहीं किया जा सकता है। इस मॉडल में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान जो तत्व हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी व्याख्या जो है ये कर सकता है, लेकिन जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी व्याख्या करने में यह मॉडल जो है असमर्थ है। इस मॉडल के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव पड़ता है उसकी गणना नहीं की जा सकती है। अब बोर मॉडल के कुछ अपने दोस्त थे। बोर मॉडल जो प्रस्तुत किया गया तो इसके दोस्त क्या थे? तो परमाणु के बोर मॉडल के निम्नलिखित दोस्त थे। इस मॉडल के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस मॉडल में केवल वृत्ताकार कक्षाओं की ही अभिकल्पना प्रस्तुत की गई है। वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तीसरी बात, इसकी सहायता
से जीमान और स्टार्क के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है। जीमान और स्टार्क ये दोनों महान वैज्ञानिक थे, इनके प्रभाव की गणना जो है इस मॉडल के द्वारा नहीं की जाती है। इस मॉडल के द्वारा अणुओं की जियोमेट्रिकल शेप के बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती है और इस मॉडल के द्वारा इलेक्ट्रॉन के बाइनरी नेचर की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ बोर मॉडल, डिमेरिट्स ऑफ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल के दोष क्या थे? इस मॉडल के द्वारा जो है एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। बाय दिस मॉडल वी कैन नॉट एक्सप्लेन द एटम विच हैज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, इन दिस मॉडल ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स आर कंसीडर। दूसरी बात है कि इस मॉडल में केवल वृत्ताकार कक्षाओं की ही अभिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। जीमान और स्टार्क का जो प्रभाव था उस प्रभाव की गणना इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट कैन नॉट द एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, कैन नॉट कैलकुलेट बाय दिस एटॉमिक मॉडल। यानी जीमान और स्टार्क प्रभाव की गणना जो है इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। इस मॉडल की सहायता से ज्यामितीय संरचना, किसी अणु के ज्यामितीय संरचना का जो है वह व्याख्या नहीं किया जा सकता है। बाइनरी नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। और इस मॉडल की सहायता से इलेक्ट्रॉन का जो द्वैत प्रकृति होता है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने बोर मॉडल 1913 में प्रस्तुत बोर मॉडल को देखा, बोर मॉडल की सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और बोर मॉडल के दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम अगले वीडियो में इससे आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग ऑर्बिट सब ऑर्बिट के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।